मुरादाबाद की मंडी समिति में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर जमकर हंगामा किया। दरअसल बिलारी नगर पालिका परिषद की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स और एक पेटी मिलने पर हुआ हंगामा किसी तरह शांत हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही मतगणना स्थल के अंदर भी एक लोहे का बक्सा बैलेट पेपर से भरा हुआ मिला, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। सपाइयों का आरोप था कि बिलारी तहसील के नायब तहसीलदार ये सब धांधली करा रहे हैं। इस बीच हंगामा कर रहे सपाइयों के सामने एसडीएम की गाड़ी अंदर आने लगी, जिसे सपा के महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया और उसमें सवार हो गए। जैसे तैसे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने एसडीएम की गाड़ी को बाहर निकाला। इस दौरान बिलारी के नायब तहसीलदार के ऊपर सपाइयों की नजर पड़ गई और वो उन्हें दौड़ाने लगे। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने नायब तहसीलदार को आक्रोशित सपाइयों की भीड़ से बचाकर मंडी समिति के गेस्ट हाउस में सुरक्षित पहुंचाया। वहीं अधिकारियों ने सपा कार्यकर्ताओं को किसी तरह ये शांत कराया। इस पूरे मामले की सपा नेताओं ने यूपी का चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि जो बचे हुए बैलेट पेपर हैं उन्हें स्ट्रांग रूम में रखवाया जाता है। आपत्ति के बाद उन्हें डबल लॉक में रखवा दिया गया है। जो भी मामला है उसकी जाँच कराई जा रही है। यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर स्ट्रांग रूम है, बस यहाँ पर हमारी काउंटिंग होनी है। व्यवस्था एक ही गई कि हमारा जो स्ट्रांग रूम है उसी के सामने काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं। आज यहाँ पर टोटल पोस्टल बैलेट बिलारी विधानसभा में 2300 निर्गत हुए, जिसमें से 851 इस्तेमाल हुए हैं। ये पोस्टल बैलेट जो बचे होते हैं इसको मतगणना समाप्त होने के बाद बॉक्स में सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। वही बैलेट पेपर थे जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति दे दी है, उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उस परीक्षण करने के उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई। प्रत्याशियों से क्या बात हुई है इस दौरान सारी? देखिए प्रत्याशियों में मतलब समाजवादी पार्टी के माननीय प्रत्याशी जी का कहना था कि साहब हम अपने तरफ से एक आपत्ति दे रहे हैं, उस आपत्ति को दर्ज किया जाए और इसकी जांच कर रही है। तो ऑलरेडी अभी हम माननीय विधायक जी के साथ पूरा जो पोस्टल बैलेट हमारा है उसको हम शेयर कर रहे हैं कि कितने उनको दिए गए थे, कितने वापस आए हैं, कितने अभी लोगों के पास से आने हैं, हमें हम पूरी सूचना उनको दे रहे हैं। सर जो दो बक्से मिले उनको भी कहाँ रखवाया मतगणना? उनको हमने डबल लॉक बना करके डबल लॉक में उसको रखवा दिया, सहमति से इसलिए रखवा दिया है काउंटिंग के बाद अल्टीमेटली और डबल लॉक में ही रखे। इसमें सर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए जो भी उन्होंने आपत्ति दी है उस आपत्ति का परीक्षण किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो आपत्ति है उसके हिसाब से आगे हम अपना परीक्षण करके अपने करके आगे कर। सर ये सामान मिलना या ऐसा कभी कभी होता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए बताया ना कि देखिए पोस्टल बैलेट जितने वहाँ वोटर्स डिमांड करते हैं जो संभावित होते हैं उसके हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन सभी यूज नहीं होते, जो अनयूज होते हैं काउंटिंग के बाद उसको स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है और कभी माननीय न्यायालय के आदेश होते हैं उसके आधार पर उसका परीक्षण। और सर उस गाड़ी का क्या जो बिलारी से आई थी यहाँ पर कूड़े वाली जिसमें ये सब सामान आया? नहीं नहीं, देखिए वो नगर पालिका की गाड़ी थी, नगर पालिका की गाड़ी में आया है, निश्चित रूप से सामान किसी न किसी गाड़ी में ही आया था और स्ट्रांग रूम में जमा होने के लिए आया था, इसको जमा कराया।